तो हाय गाइस, पुनीत इज बैक विद सम न्यू कूल टिप्स एंड ट्रिक्स। आज हम रिव्यू करने वाले हैं सोनी के 90mm मैक्रो लेंस के ऊपर। तो सोनी का ये वन ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी वाला मैक्रो लेंस है। ये एक 2.8 लेंस है और आता है जी सीरीज के अंदर। ये जी मास्टर सीरीज का लेंसेज नहीं है। तो हम जानेंगे इस लेंस के बारे में और क्या इसमें स्पेशलिटी मिलती है और क्यों हमें माइक्रो लेंसेज लेने चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सोनी का जो 90mm लेंस है ये जी मास्टर नहीं जी सीरीज के अंदर आता है और ये 2.8 अपर्चर के साथ में आता है। इवन इसके अंदर OSS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी दे रखा है। सबसे फर्स्ट जो इंप्रेशन इस लेंस का है, ये पूरा का पूरा मेटल यानी अच्छी से अच्छी क्वालिटी का बनाया गया है और लेंस का जो साइज़ है वो भी बहुत ही कंफर्टेबल है। इवन ये बहुत लाइट वेट भी है लेंस। इसके अंदर आपको लेंस पे सारे मेजरमेंट दे रखे हैं और इवन ऑटो फोकस जो रिंग है, मैनुअल फोकस और ऑटो फोकस रिंग, फोकस पुल रिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैक्रो लेंस कहाँ काम आते हैं। माइक्रो लेंस काफ़ी लोग वेडिंग में यूज़ करते हैं, जिन लोगों को कुछ यूनिक शॉट्स लेने होते हैं मैक्रो के क्लोजअप, जैसे कि आइज़ के शॉट्स ले लिए या फिर ईयरिंग से शॉट्स ले लिए, कुछ रिंग्स के यूनिक शॉट लिए क्लोजअप में जा करके, वहाँ पे आप मैक्रो लेंस को काफ़ी लोग इस टाइप से यूज़ करते हैं वेडिंग के अंदर। काफ़ी माइक्रो लेंस मैक्सिमम लोग जो कि इंसेक्ट फोटोग्राफी ये लोग काम में लेते हैं माइक्रो लेंस। और इवन आजकल एक नया ट्रेंड चलने लगा है जो कि है टॉय फोटोग्राफी। तो टॉय फोटोग्राफी में काफ़ी फेमस इंस्टाग्राम फोटोग्राफर्स को मैं जानता हूँ जो सोनी के 90mm लेंस पे काम करते हैं और मैक्रो फुटेज शूट करते हैं जो कि आपको लाइव दिखती है टॉयज़ के अंदर। ये लेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ इसका जो ऑटो फोकस स्पीड है वो बहुत फास्ट है। मैंने काफ़ी अदर ब्रांड्स के माइक्रो लेंसेज ट्राई आउट करे हैं बट उनके ऑटो फोकस जो है अल्टीमेटली स्लो होते हैं, देन आपको मैनुअली ऑटो फोकस करना पड़ता है। बट इस लेंस का ऑटो फोकस की स्पीड बहुत अच्छी है और इवन ये लेंस का जो क्वालिटी और शार्पनेस वो बहुत ही अमेजिंग है। हम टेस्ट करेंगे इस लेंस को कुछ फोटोज़, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम लोग इससे फोटोज़ क्लिक करते हैं तो फोटोज़ में कितने अच्छी क्वालिटी की फ़ोटोज़ ये प्रोड्यूस करता है। तो चलिए जंप करते हैं फ़ोटोज़ के ऊपर। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर प्लान कर रहे हैं इस लेंस को परचेज करने का तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी इसके लिंक दे रखे हैं, आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक भी अवेलेबल है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे रॉक।